뭐지 golden મુશ્કકતે મે જોડ બિલકુલ ન બોલ રયો मेरे घर पे छिपकली घुस गई थी ये तो आपने व्लॉग में देखा था वो वाली बाहर निकाल दी थी बट उसके बाद मुझे एक और दिख गई और मुझे छिपकलियों से सख्त नफरत है तो मैं YouTube पे ऐसे वीडियोस देख रही थी कि कोई तो नुस्खा देखते हुए इनको भगाने का तो मुझे कोई नुस्खा तो नहीं दिखा बट एक प्रोडक्ट दिख गया बहुत ही कॉन्फिडेंस में एक लड़की बोल रही थी कि मीशो पे एक प्रोडक्ट है आप कभी स्प्रे करके देखना उस जगह पे आपको दोबारा छिपकली दिखेगी ही नहीं तो मैंने वो प्रोडक्ट ऑर्डर किया लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my channel. This side Mega Bowl with you all once again. I hope you and your families are doing really, really, really great. So, आज है मेरा rest और कल है मेरा golden off, which means दो दिन मैं घर पे हूँ. उसके बाद का मुझे पता नहीं है, but शायद weekly off है. जो भी होगा पता चली जाएगा. तो I thought कि कुछ तो healthy खाया जाए. तो मैंने कल रात को अपने लिए कुछ healthy decide किया था. अब वो कैसी बनेगी कैसी नहीं आई डोंट नो बट मैंने उसके लिए जो भी चीज़ें करनी थी मुझे कॉल मुशक्क़तें वो मैंने कर ली है तो लेट्स सी कि कैसा बनता है कैसा नहीं बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सो भूख भी लगी है यार तो बिना बातों के चलो पहले चलते हैं किचन में एंड देन वी विल मेक इट ये रहा मेरा ट्राईपॉड जिसको मैं यूज़ करूंगी अभी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सो so, लेट्स ये रही वो चीज जिसकी मैं बात कर रही थी ये रही ग्रीन मूंग की दाल जो मैंने रात को भिगो दी थी जिसमें एक पे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत सामान है जो मैं यूटिलाइज करूंगी पता चलिए क्या होगा आपको इंग्रेडिएंट्स से बनने वाला है आज मूंग दाल का चीला तो लेट्स आई रियली है कैसा बनने वाला है बट but... वी कैन ट्राई और ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है दाल तो मैं पूरी नहीं बनाऊँगी थोड़ी सी बनाऊँगी बिकॉज वैसे भी दिस इज़ अ ट्रायल अगर मुझे लग गया कि फ़र्स्ट चीला अच्छे से बन गया है देन आई विल पुट सम मोर मैं अपने लिए बस दो ही चिल्ले बनाने वाली हूँ और मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट वाला पूरा ASMR पे जाएगा अगर अच्छा बन गया और मेरे में हिम्मत आ गई दूसरा बनाने की तो मैं दूसरे में वॉइस ओवर कर लूंगी तो मैं फर्स्ट में सक्सेसफुल हुई हूँ इसीलिए आपको यहाँ मेरी आवाज सुनने को मिल रही है आई नो कि चिल्ला थोड़ा सा पतला होता है काफी थिन होता है और ये थोड़ा सा मोटा था बट मैं बोलूंगी कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा है और मैंने खाया था इसको दही के साथ और थोड़े से बटर के साथ आप चाहो तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ और चीज के साथ भी खा सकते हो आई थिंक चाय के साथ भी अच्छा होगा इतना अच्छा बना ना गाइस मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ बहुत अच्छा बना आप जरूर ट्राई कर सकते हो फिलहाल मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद और एनर्जी बटोरने के बाद मुझे आज काम है लॉन्ड्री लेकिन उससे पहले मुझे कबूतरों का सामना करना पड़ता है इसलिए पहले मैं वो देख रही थी कि क्या रास्ता साफ़ है या फिर मेरे काम में रुकावट बनकर कबूतर बैठे हुए हैं तो यहाँ मैं कहूँगी कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि कबूतर नहीं है तो इसीलिए मैं बिना किसी खौफ के आराम से तसल्ली से आज कपड़े धो सकती हूँ ये व्लॉगिंग करते करते ना मुझे एक चीज़ का एहसास तो हो गया है कि सच में हम कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं मतलब ये काम मैं पहले भी करती थी ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी बट रिकॉर्ड करके जब खुद को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है बाप रे इतने सारे काम मैंने एक ही दिन में कर लिए बचपन में, में जब भी छुट्टी होती थी तो उसका इंतज़ार रहता था कि हम छुट्टी पे बाहर घूमने जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे बट अब अगर छुट्टी होती है तो ये इंतजार रहता है कि घर के सारे काम खत्म करने लाइफ के ये स्टेज पर पहुँच कर पता चलता है कि हमारी मम्मियाँ कभी फ्री क्यों नहीं होती थी जब भी पूछो हमेशा मसरूफ़ कुछ ना कुछ काम उनको रहता ही था लेकिन मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर मैं अपनी ये सब वीडियो में दिखा के ये बिल्कुल भी दर्शाना नहीं चाहती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो तो आपके पास कुछ भी करने का वक्त नहीं है क्यों क्योंकि आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे ये मेरी चॉइस है वरना मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऑफ के दिन पे शॉपिंग करते हैं मूवीज़ देखते हैं पार्टीज़ करते हैं बट ऑब्वियसली हर बंदे की पर्सनालिटी अलग होती है एंड दिस इज़ माय पर्सनालिटी मुझे ऑफ के दिन बाहर जाके फिजूल वक्त ज़ाया करना शॉपिंग करना या मूवीज़ के लिए पैसे उड़ाना यहाँ पार्टीज करना पसंद नहीं है और मैं घर के काम करके खुद को बिज़ी रखने में ज़्यादा खुश होती हूँ अफकोर्स थक भी जाती हूँ लेकिन साफ सफाई होने के बाद जब सब कुछ अच्छा दिखता है ना तो एक सुकून भी रहता है कि नहीं ये सब मैंने खुद किया है अपने लिए और यहाँ आपसे बात करते करते मेरे कपड़े भी धुल गए आई नो फास्ट फॉरवर्ड में था बट इतना ईजी भी नहीं था यहाँ आपको ये बेड देख के शायद थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि दो मैट्रेस के बीच में ऐसा ब्लैंकेट क्यों पड़ा है तो एक्चुअली समर्स में मैंने हॉल वाला सिंगल बेड जो है वो रूम में शिफ्ट किया था बिकॉज ऑफ ए तो वो दोनों सिंगल बेड मैंने कंबाइन किए हैं बट उसमें हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस है तो बस मैट्रेस को थोड़ा सा प्लेस रखने के लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है काम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है लेकिन अभी मुझे भूख लगी है और खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो ये पिल्लो कवर लगाते लगाते बस मैं यही सोच रही थी कि अब मैं खाऊंगी क्या पहले सोच रही थी कि घर पे ही कुछ बना लूं लेकिन फिर सोचा कि उसमें काफ़ी वक्त चला जाएगा और भूख भी काफ़ी लगी है तो मैंने सबवे से ऑर्डर कर लिया सोचा कि सुबह हेल्दी खाया था तो चलो अभी भी कुछ हेल्दी ऑप्शन ही चूज़ करते हैं तो मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड चूज़ की थी विच इज़ हेल्दी बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो सच में हेल्दी है या नहीं है बट मैंने बहुत जगह पढ़ा है बहुत जगह सुना है कि बाहर का जितना भी जंक है आई नो दिस इज़ ऑल्सो जंक बट ये थोड़ा हेल्दी जंक में आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप चीज़ से अग्री करते हो या नहीं मैं तो फिफ्टी फिफ्टी हूँ ना ही अग्री करती हूँ ना ही डिसअग्री करती हूँ और इसी के साथ मेरा लंच खत्म आज कहने को तो मेरा दिन रेस्ट का था कि मैंने ब्लॉग शुरू किया था और बोला था कि आज मेरा रेस्ट है बट ट्रस्ट में आज मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है मॉर्निंग में भी मैं जल्दी उठ गई थी जल्दी एज ए नॉट आठ बजे बट हाँ दस साढ़े दस उठ गई थी देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट जो मैंने आपको बताया देन आई वॉश माई क्लोथ्स वो भी मैंने आपको बताया एंड माई बॉडी इज़ टायर्ड लिटरली मेरी टांगे इतनी दर्द कर रही हैं शिवर कर रही हैं इनफैक्ट तो रेस्ट बोल के बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है आई डोंट नो शाम को क्या करूँगी क्या नहीं बट uh, कल के लिए मैंने और भी चीज़ें थोड़ा सोचा है लेट्स ही कि वैसे कुछ होता है या नहीं फ़िलहाल थोड़ी देर मुझे रेस्ट करनी है अब क्योंकि आज मेरा दिन रेस्ट का है और इसी के साथ मेरा दिन होता है खत्म तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए बाय